सो हेलो गाइस, मैं अभी आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल रूम में हूँ। सो फीलिंग तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। बेसिकली 2-2.5 साल से जिसके लिए उस मेहनत की थी, आज वो फाइनली फुलफिल हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो जो भी वो से देख रहा है, काइंडली ऐसा मोटिवेशन लेना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह पे था आज से 1.5 साल पहले। तो मैं भी जब भी ऐसे वीडियोज वो मैं देखता था तो मुझे भी मोटिवेशन बहुत ही मिलता था। सो आज मैं बताऊंगा मेरी जर्नी कैसे रही। सो 12th स्टैंडर्ड में मैंने ईसरल को मैंने ज्वाइन किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कोरोना का माहौल था, 2020 पेंडेमिक था, लॉकडाउन हो चुके थे, स्टडीज इतनी खास हुई नहीं थी ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में सेट होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सबके सामने। उसमें भी जेई प्रेप को संभालना कि आपके साथ आपके टीचर्स ना हो फिजिकली, बहुत ही उस मुश्किल था। सो मैंने दिसंबर में उसे डिसाइड किया कि मैं इस तरह क्लासेस का मैं मटेरियल तुम एक्सेस करता हूँ। मैंने ये सोच के मैंने लिया कि जो यूट्यूब चैनल हमको फ्री में इतना अमेजिंग कंटेंट हमको देती है, तो वो पेड में तो कितना और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देगी। और वैसा भी वही हुआ जो बोला था। 1-on-1 मेंटरशिप, इट वॉज अमेजिंग। हर रोज मेंटर्स के फ़ोन आते थे, प्रतीक गुप्ता सर के साथ लाइव वॉज इंटरेक्शन होता था। सो इट वॉज अ नाइस इंटरेक्शन, बहुत ही हमको मोटिवेट करते थे। सो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी टू टॉक विथ हिम। बेसिकली जब भी मैं डिप्रेस फील करता था, मैं उनको फ़ोन करता था कि सर मैं आगे क्या करूँ, मेरी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही। हमेशा वो कोई नई स्ट्रेटेजी देते थे, मैं उनको इम्प्लीमेंट करता था और मेरे पूरा महीना या 10-15 दिन वो अच्छे से उसे निकल जाते थे। काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ भी मैंने सीखी कि स्ट्रेस कैसे हम लोग उसे मैनेज कर सकते हैं। सर के मोटिवेटिंग सेशंस जो भी होते थे वो मैंने ब्लाइंडली फॉलो किए, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मुझे मिलता था। एन के गुप्ता सर और सारांश गुप्ता सर की हर एक गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया।